से सब नाच मेरी रानी रानी बना के आ रहे हैं, ये फेस रिवील नहीं करती, लेकिन आज हो गया इनका। Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. यहाँ हम चरक चौराहे पर खड़े हुए हैं, हमारे अखिल साहब हैं जो अभी तक आए नहीं है। लास्ट टाइम हम लेट हुए थे, इस बार वो लेट हो गए। एंड चलिए अब अखिल को मिल के फिर हम बात करते हैं आपसे, मिलते हैं सीधा लोकेशन पे। Hey guys, लेट इंसान आ चुके हैं, ये है यहाँ, ये अपना देखा शक्ल दिखा दे, क्यों लेट हुआ? क्योंकि ब्लड है मैं कहते हैं ये। अब ये कहाँ लेके चलना है इसको? सत्यम सत्यम पैथोलॉजी के बाद हम कहाँ चलेंगे? हम लोग चलेंगे कहाँ? चलना है कहाँ? चलना है इसके बाद इको गार्डन। अच्छा इको गार्डन चलना है, सॉरी सॉरी इको गार्डन चलना है। मिलते हैं गाइस, माफ लेते हैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो बारिश कुछ तेज होने लगी है, बारिश कुछ तेज होने लगी है, देख सकते जैसा कि आप लोग हम दिखा रहे हैं आपको एक सेकेंड, बारिश यहाँ कुछ तेज हो रही है। देखा आप लोगों ने बारिश कितनी स्पीड में हो रही है। और अब हम लोग जा रहे हैं जो हमारे बंदे हैं उनके पास। अब हम दुबग्गे पहुंच चुके हैं, दुबग्गे से हम लोग आलमबाग नहरिया की अब आगे मिलते हैं, आलमबाग नहरिया पहुंच के मिलते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं इको गार्डन, जहाँ की आपको हम दिखाते हैं बैकग्राउंड यहाँ का कैसा है। तो बाहर से कुछ ऐसा है और देखते हैं इसके अंदर, अंदर मिलते हैं गाइस आपको, दिखाते हैं अंदर कैसा है। गाइस हमारी एंट्री अब हो चुकी है एंड यहाँ क्या ये भैया कुछ कर रहे हैं, उन्होंने हमारे टिकट जो थे वो चेक कर रहे हैं, चेक करके अब हमें जाने दे रहे हैं अंदर। एंड अंदर आपको हम इसके अंदर का व्यू कैसा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। हम लोग आ चुके हैं यहाँ, देख सकते कितना शांत माहौल है, यहाँ परिंदा भी नहीं है, ये परिंदा है, ये देखिए भाई परिंदा। गाइस जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं, अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं कितना अच्छा है। मैं भी नहीं गया, फर्स्ट टाइम में जा रहा हूँ, देखते हैं इसके अंदर कैसा होता है, इसके अंदर का व्यू क्या है कैसे है। तो गाइस बाहर से दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, और अंदर चलते हैं हम फिर आपको अंदर का दिखाते हैं इसके। चलिए गाइस मिलते हैं अंदर। ओ भाई साहब भैंस की टांग क्या जगह है भाई, कसम से बहुत ही मस्त लोकेशन है, नीचे पत्थर जो लगे इस पर चलने में क्या मज़ा आ रहा है भाई, कसम से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त है, नीचे देख के चलना पड़ेगा क्या? तो गाइस ये कुछ अंदर से इस तरीके से दिखता है, बहुत ही सुंदर है। एंड आप यहाँ आए तो एक बार इसके अंदर जरूर घूमें, बहुत ही मस्त व्यू है। यहाँ हमारे मैनेजर साहब हर चीज़ बताते हैं और इनको हर चीज़ पता होती है, ये हम लोग को हाथी दिखाने ले जा रहे हैं। तो गाइस ये वही जगह है जिसके बारे में भी मैंने बताया था, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे जानवर बने हुए हैं एंड यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे देखने में, हाथी भी बना हुआ है दूसरे साइड है। एंड अभी हम इसके अंदर से और क्या रहे, बहुत ही बढ़िया लगा। अब मिलते हैं अपने आप वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को। गुस्सा नहीं आता, एक क्वालिटी है देख सकते हैं। प्रोफेशनल
So guys, अब हम लोग चले वापस। हमारी वीडियो शूट हो चुकी है, एक दो रील जो इन लोग की बची है ये लोग अपना शूट कर ले फिर चलते हैं हम लोग। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा है। लो करो, ये सी चीज आनी चाहिए गोल चौक। तो है गाइस, इससे सब नाच मेरी रानी रानी बना के आ रहे हैं। ये फेस रिवील नहीं करती लेकिन आज हो गया इनका। हाँ, ये देखिए, ये किसकी बात कर रहे थे आप? ये इन्हीं मोहतरमा की बात कर रहे थे हम, जो अपना फेस रिवील नहीं करती हैं। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा। है गाइस, अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, ये प्राणी को देख सकते हैं। हो गया गाइस, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एंड आई होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा एंड नेक्स्ट डोर बहुत ही जल्द आएगा। मैं टाइमिंग नहीं बता सकता क्योंकि टाइमिंग अभी हमारी फिक्स नहीं है एंड इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।